बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा है नचीज काशी नदीम, आपको एक नए व्लॉग में खुश आमदीद, वेलकम जी आया नू सत बिस्मिल्लाह कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर का महीना खैर से लग गया है और अगस्त का महीना ख़त्म हो गया है, यानी कि अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ खैर से आ रही हैं। खैर मौसम तो बदलते रहेंगे। आज हमारे प्यारे हमसायों की शादी है, ये गांव हमसे कुछ ही फासले पर है। तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है, तो वक्त को ज़ाया किए बगैर आइए हम चलते हैं शादी की तरफ। टाइम ज़ाया किए बगैर हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। सुबह का टाइम है और मौसम अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही प्यारा है। ये हमारे बाएं तरफ चावल के खेत हैं और खजूर के दरख्त बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। अब हम एक बहुत ही खूबसूरत से कस्बे के दरमियान से गुज़र रहे हैं और इस कस्बे का नाम है झोंक यारशा। ये कस्बा हमारे प्यारे गांव और जहां पे शादी है दोनों गांव के बिल्कुल बीच में है। कस्बा जूँ ही ख़त्म हुआ, आगे दाएं और बाएं दोनों तरफ मछली के फार्म हैं, यानी कि ये ज़मीन मछली के फार्म के लिए बहुत ज़्यादा मौजू है, इसीलिए यहाँ पर फार्म बहुत ज़्यादा हैं। इस इलाके का पानी खारा है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा फसलें काश्त नहीं की जाती, यहाँ पर ज़्यादा मछली फार्म है। और ये हमारे बाएं तरफ तो तकरीबन कोई 10-15 एकड़ का बहुत बड़ा मछली फार्म है और वो थोड़ा आगे एक नया ट्यूबवेल भी लगवा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये ट्यूबवेल इन्हीं फार्म वालों का है। ये सामने एक चौक आ गया है और चौक के बिल्कुल सामने बहुत ही प्यारी सी दुकानें हैं, अल्लाह दीता करियाना स्टोर। तो मेरे प्यारे व्यूअर, अब हम बस कुछ ही देर में उस गांव में पहुंचने वाले हैं जहां पे शादी है। ये हमारे दाएं तरफ सरसब चावल के खेत हैं, ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, दाएं और बाएं तरफ झाड़ियां हैं और फिर हमारे दाएं तरफ एक बहुत बड़ा मछली का फार्म आ गया है। ये बहुत ही छोटी सी प्यारी सी पक्की सड़क की सीधा उन्हीं के गांव जाती है, यानी कि जहां पे शादी है। खारा पानी होने की वजह से यहां पर कांटेदार छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं और ज़्यादा लंबे दरख्त भी नहीं हैं, और हाँ कहीं कहीं कीकर के दरख्त हैं। इस फार्म में ये देखें सोलर भी लगाया गया है, यानी कि ये सोलर वाला ट्यूबवेल है। और हमारे दाएं तरफ भी एक फार्म है। बस अब हम अल्हम्दुलिल्लाह शादी वाली जगह पे पहुंच गए हैं। पक्के और कच्चे घरों और हर तरफ सरसब्ज झाड़ियों पे मुहित ये बस्ती अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। हमने अपनी मोटरसाइकिल एक झाड़ी की छांव तले खड़ी कर दी है और अब हम जाएंगे शादी की तरफ। वो सामने जो घर है उसी के अंदर शादी है। तो अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इस घर में दाखिल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शादी का माहौल तो बहुत ही प्यारा है। शादी का माहौल बहुत ही सादा और मुख्तसर है और शादी पे आए हुए मेहमानों को मुर्ग पुलाव खिलाए जा रहे हैं। कुछ देगें खैर से वो सामने तैयार हो गई हैं और कुछ देगें पकाई जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम शादी पे खैर से टाइम पे आ गए हैं। गांव की सादा और मुख्तसर सी शादियां मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। देगों में टमाटर डाले जा रहे हैं। हमारे आने से कुछ ही टाइम पहले शादी पे आए हुए मेहमानों में शादी पे जो चावल पकाए गए हैं उनकी तकसीम का सिलसिला जारी था और अब भी ये सिलसिला जारी है। चावल बहुत ही ज़बरदस्त पके हुए हैं और इनकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। हमारे यहाँ गांव की शादियाँ बहुत ही सादा और मुख्तसर होती हैं और होने भी ऐसे ही चाहिए।
शादी पे मुर्ग पुलाव देखकर हमें भी भूख महसूस होने लगी थी, तो अब हम भी बैठ गए हैं। मेहमानों के लिए दरियां बिछाई गई हैं और अब हम भी बैठ गए हैं और हमारे सामने भी एक डिश मुर्ग पुलाव की रख दी गई है और एक दूसरी डिश भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने मुर्ग पुलाव की रख दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह चावल बहुत ही ज़बरदस्त हैं, ये देखें गोश्त भी है इनमें। शहर की शादियों के खाने का जायका अपनी जगह, मगर गांव की शादियों का खाना भी बहुत ही लाजवाब होता है, जैसा कि ये चावल अल्हम्दुलिल्लाह जायके में बहुत ही आला हैं। तो वीवर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जी भर के मुर्ग पुलाव खा लिए हैं, अब हमने धोए हैं अपने हाथ और आपको दिखा दें ओवरऑल शादी का माहौल बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त है। अब हम आखिर में आ गए हैं सलामी लिखवाने के लिए। इस चारपाई के ऊपर दूल्हा भी बैठा हुआ है और एक बंदा सलामी लिख रहा है और एक बंदा सबसे पैसे लेकर दूसरे बंदे को दे रहा है। हम भी सलामी लिखवाएंगे, हम सलामी 1000 लिखवाएंगे। जब हम शादी पे आए थे तो रश बहुत कम था, मगर अब रश ज़्यादा हो गया है। मोटरसाइकिलें बहुत ज़्यादा खड़ी हुई हैं, यानी कि अब शादी पे लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं। खैर अब हम जाएंगे अपनी मोटरसाइकिल की तरफ, वो थोड़ा आगे जहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली है हमने वहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की है। हमारे यहाँ अगर मोटरसाइकिल के शौक़ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा होंडा 125 ही लोगों के पास है। हमारी मोटरसाइकिल थोड़ा आगे खड़ी हुई है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये थी गांव की मुख्तसर सी शादी। उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखरत की इज्जतें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।